कथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता, ऐरे गैरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया। जो संसद देखते हो, मैं मीडिया के लिए एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, जो संसद देखते हो उस एक लाइन पर समर्थन मांगता हूं, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया, अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का। और दो पंक्तियां समर्थन मांगती हैं, पंचाली के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, पंचाली के चीरहरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वे सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वे सब कायर कहलाते हैं, कहां बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहां बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए, कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौन चिरैया सूली टंग गई पंछी गाना भूल चले, आंख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। और जैसा स्वामी जी ने कहा कि हमारा ये अभियान किसी के खिलाफ नहीं है, मैं भी किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन किसके खिलाफ बोल रहा हूं सुनना, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको सौ सौ बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है, जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं, लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, सात समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, दो कौड़ी की इज्जत है, इनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले, वीरप्पन पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, वीरप्पन पैदा करते हैं नेता। और दो पंक्ति पढ़ता हूं साहब, मैं राजनीति पर कभी नहीं बोलता, कानून का प्रोफेसर हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, केवल 100 दिन को सिंहासन मेरे हाथों में दे दो, समर्थन करे ये सदन अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो, केवल 100 दिन को सिंहासन मेरे हाथों में दे दो, काला धन वापस ना आए तो मुझको फांसी दे दो, काला धन वापस ना आए तो मुझको। क्यों नहीं आता जानते हो काला धन वापस क्यों नहीं आता? जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, जब जुगनू को फूलों जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है। कहां तक टूटा ये देश, कहां तक टूटी हमारी मानसिकता, एक पंक्ति प्यार मांगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं। मैं बस बोल बोल रहा हूं जो आपसे पहले बोला गया, गुप्ता जी की कमिश्नरी बोल रही थी, मेरी प्रोफेसरी बोल रही, इतना अंतर है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते
हैं तो केवल चुल्लू भर पानी जाग तो केवल चुल्लू भर पानी जुगनू होने तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊ कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है, बिल्ली में क्या तायरत होती कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गागा कर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता। अंतिम छंद पढ़ता हूँ जिसके लिए मैं आज इस कविता को सुनाना चाहता था। एक छोटी सी कथा आपने सुनी है, महाभारत में आती है। एक राजा होता था शिशुपाल, वो भगवान श्री कृष्ण को गालियां ही देता रहता था। लोग उससे पूछते थे आप इसकी गाली सुन के चुप रह जाते हो, तो कृष्ण जी ने कहा ये मेरी बुआ जी का बेटा है, इससे रिश्ता निकलता है। और बुआ जी ने एक दिन खाना खिलाते हुए वचन ले लिया कि मेरे नालायक बेटे की 99 गाली माफ कर देना कृष्ण। मेरा संदर्भ समझना ये, मेरे नालायक बेटे की 99 गालियां माफ कर देना कृष्ण, लेकिन मैं वचनबद्ध हूं, बुआ जी से कह चुका हूं कि 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन जिस दिन ये 100वीं गाली देगा उस दिन इसको सजा मिलेगी। और आप जानते हो जिस दिन शिशुपाल 100वीं गाली देता है सुदर्शन चक्र से भरे दरबार में उसकी गर्दन काट दी जाती है। मैं किन गालियों की चर्चा कर रहा हूं, गिनती स्वामी जी के पास होगी। कोई साधु सन्यासी पर तलवारें लटकाता है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि नाम लूंगा तो वो बड़े हो जाएंगे, वो इतने बड़े नहीं है कि मेरे मुंह से नाम निकले। श्री राम जेठमलानी जी मेरी कविता के बीच में आए हैं। श्री राम जेठमलानी जी मेरे बहुत पुराने श्रोता रहे हैं, मुझे बहुत मेरे आशीष दाता भी रहे हैं। मैं चाहता हूं ये सदन पूरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करे, हमारे बहुत वरिष्ठ वकील श्रद्धेय राम जेठमलानी जी ने बहुत दिन पहले जनता की पुकार में मुझे आशीर्वाद दिया था। वो उस दिन भी तभी आए थे जब मैं कविता पाठ कर रहा था। बैठ जाए, अंतिम छंद पढ़ता हूं बस, और ध्यान रखिए कि 100वीं गाली पर शिशुपाल की गर्दन कटी थी। कोई साधु सन्यासी पर तलवारें लटकाता है, कोई साधु सन्यासी पर तलवारें लटकाता है, काले धन की चर्चा हो तो आंख चढ़ाने लगता है। कोई साधु सन्यासी पर तलवारें लटकाता है, काले धन की केवल चर्चा पर भी आंख चढ़ाता है। कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, कोई अपनी संस्कृति में आग लगाने लगता है, कोई बाबा रामदेव पर दाग लगाने लगता है, कोई बाबा रामदेव पर दाग लगाने लगता है। 100 गाली पूरी होते ही शिशुपाल कट जाते हैं, 100 गाली पूरी होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे। हमारे मध्य माननीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही कानूनी संघर्ष कर रहे हैं और इस अभियान को राष्ट्र अभियान बनाते हुए लक्ष्य तक पहुंचाने में आप लगे हुए हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी। हमारे परम श्रद्धेय संत इधर मंच पर हैं, उनके शुरू में स्वामी लगता है, इनके बाद में स्वामी हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं और ये भी लगे हुए हैं। श्रद्धेय पूजनीय बाबा रामदेव जी,
इस मंच में बैठे पूज्य स्वामी जीगण और नागरिक प्रतिष्ठित नागरिकों और यहां एक महासमुंदर में बैठे देश की जनता, भ्रष्टाचार सिर्फ लोगों के खाते में जमा होता नहीं है पैसे के रूप में, लेकिन वो सारा समाज को भ्रष्ट कर देता है। हमारे देश में जो आज मुद्रास्फीति है, जो दाम बढ़ रहे हैं, वो जब बढ़ रहे हैं जब हमारे देश में राष्ट्रीय आय 9% से ऊपर जा रही है की दावा हो रही है, उस समय दाम बढ़ने का एक ही कारण है कि जो पैसा है, जो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके हाथ में पैसा है, वो जमाखोर करते हैं या जमाखोरियों को पैसा देते हैं और दाम बढ़ने के बाद फिर बेचते हैं, फिर जो जमा करके रखे हैं, होल्ड किया है, उसको बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार से इस देश में जो भी अपराध होता है उसमें सुपारी लगाते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार का पैसा लगता है। लेकिन जो 2G स्पेक्ट्रम हुई है, लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई कि ये 1G 2G 3G क्या है। ये तो आकाश में जो चलती एयरवेव्स हैं उसका विभिन्न जो प्रकार हैं उसका एक वन जी 2G 3G होता है। लेकिन जब मनमोहन सिंह से पूछा गया कि आप जानते हो 2G क्या है, उन्होंने कहा मैं जानता हूं सोनिया जी और राहुल जी, यही जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट के कारण आज राजा जेल में बैठा है। राजा तमिलनाडु का राजा है लेकिन दिल्ली में भी रानी है, वो कोई कम नहीं है इसमें। उसके संरक्षण में ही राजा ने ये सब किया है, इसीलिए कई लोगों को पकड़ना है। और जब तक इस तरीके से एक लहर नहीं चलेगी, हमारे देश में जिन लोगों को फैसला करना है उनको हिम्मत नहीं मिलेगी। आपके जो इस आज सभा हुई है उससे सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे जैसे लोगों को बल मिलने वाली है। हम तो पीछा किसी का नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसीलिए मैं आपको कहने चाहता हूं कि ये जो घोटाला हुआ है 2G का, उसमें 1,76,000 करोड़ रुपए की नुकसान हुई है। उसके पीछे हमारे विदेशी जो हमारे देश से नफरत करते हैं उनके लिए भी हमने जगह बना के दिया है। जिसको लाइसेंस दिया उसने बेच दिया 7 गुना में। किसको बेचा? पाकिस्तान के ISI के कंट्रोल में जो कंपनी है उसको बेच दिया है। और उसी प्रकार से दूसरे ने 8 गुना दाम पर बेच दिया अपनी लाइसेंस जो उनको दिया गया, और वो उन्होंने उस कंपनी को दिया जो चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री की इक्विपमेंट में हमारे देश में टावर लगाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इनको कोई चिंता नहीं। इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ते जाएगी तो देश भी डूबेगी। और मैं यही कहने के लिए आया हूं कि स्वामी रामदेव ने ऐसा कमाल की काम किया है